Good afternoon, everyone. Welcome to my class. And today we are going to learn, or today we are going to discuss about how does caste system affect child or child's development. Caste system child development ko kaise affect kar sakta hai? There are many things. बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बच्चे की development को, यानी बच्चे के विकास को असर डालता है, विकास पे असर डालता है। जैसे कि हमने पढ़ा जेंडर, बहुत अच्छी तरह से हमने अपनी पिछली क्लासेस में देखा कि जेंडर किस तरह से क्लास बच्चे के डेवलपमेंट पे असर डालता है। उसी तरह से कास्ट सिस्टम आल्सो प्लेज अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, यू नो, एक तरह से इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, और इन अ, यू नो, कह सकते हैं कि एक अच्छा डेवलपमेंट होने के लिए, या एक 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 मीडियोकर टाइप ऑफ डेवलपमेंट होने के लिए कास्ट सिस्टम एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यू नो, देर आर मेनी नंबर्स, यू कैन हियर मी ना, आप लोग सुन सकते हो ना मुझे? हाँ, देर आर मेनी नंबर्स, देर आर मेनी वेरी मेनी डेटा विच सजेस्ट दैट कास्ट सिस्टम plays a very very pathetic, horrible effect on child's development. भयंकर इफेक्ट डालता है। आवाज सबको नहीं आ रही है, खाली सभा को नहीं आ रही है? बेनजीर आ रही है आवाज? तो एक बहुत ही pathetic इफेक्ट डालता है कास्ट सिस्टम, बहुत ही pathetic इफेक्ट डालता है कास्ट सिस्टम ऑन द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। कैसे डालता है? Generally, we know that our society is divided into caste, creed, class, gender, region, religion, बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से हमारी society का division हुआ है, और उनमें से जो सबसे important division है, जो कि within region, within religion, within culture, within society and within system है जो division, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने बोली है, विद इन रीजन, विद इन कल्चर, विद इन रिलीजन, विद इन सिस्टम, विद इन सोसाइटी जो एक डिवीजन होती है वो है कास्ट बेस्ड डिवीजन। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, हाउ डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, कि कैसे देखिए जेंडर जो होता है, एक जेंडर का जो डिवीजन होता है वो भी विद इन रीजन, विद इन रिलीजन होता है, और एक कास्ट जो होता है वो भी विद इन रीजन, विद इन रिलीजन होता है। ये दो ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो इफेक्ट करते हैं चाइल्ड को, जो विद इन रीजन, विद इन रिलीजन, विद इन सोसाइटी, विद इन, यू नो, स्पेस ऑफ लिविंग में ऑपरेट करता है। बिफोर गेटिंग इन टू द इफेक्ट ऑफ कास्ट ऑन चाइल्ड, वी हैव टू अंडरस्टैंड द कास्ट सिस्टम ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश का कास्ट सिस्टम है क्या और किस तरह से ये ऑपरेशनल होता है? नाउ कास्ट सिस्टम की जैसे ही बात आती है रिलीजन की, ठीक है, रिलीजन ने कास्ट को जन्म दिया, ये कहने वाले लोग कहते हैं, ठीक है। लेकिन इफ यू गो इन टू द प्योर रिलीजन, लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ यू गो इन टू द वेदास, इफ यू गो इन टू द कुरान, इफ यू गो इन टू द बाइबल, यू वोंट फाइंड डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफेशन। व्हाट इज कास्ट? कास्ट इज अ डिवीजन। कास्ट जो डिवाइड है वो, इट इज बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफेशन। जो शुरू से वो प्रोफेशन करते हैं उसका कास्ट ही हो गया, ये कुमरी, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो अलग अलग प्रोफेशन को अलग अलग कास्ट बता दिया गया, बट दिस पर्टिकुलर सिस्टम इज नॉट देयर, एक्चुअली नॉट देयर इन द रिलीजन। लेकिन बिकॉज ऑफ द फॉल्स प्रैक्टिस ऑफ दिस थिंग, ये चीज हमारे सोसाइटी में कहीं ना कहीं बहुत गहराई से जो है रूट पकड़ चुकी है। I've already asked you to let's watch a movie together.
एंड आप लोगों ने अपॉइंटमेंट नहीं दिया, यू पीपल आर सो बिजी, लेकिन जब भी आप लोग के साथ देखने का मौका मिलेगा, आई एम गोना वॉच अ वेरी इंटरेस्टिंग मूवी विच इज नोन एज विच इज एंटाइटल्ड एज वॉटर. It is been directed by Deepa Mehta, जिसके अंदर जो है एक बच्ची है, she has been widow and she has to live widow for her entire life. What is this? एक 8 साल की बच्ची widow है और उसको जिंदगी भर तक widow बन के रहना है. She has to face all the precautions of being a widow for her entire life. और उस टाइम विडो हो गई जब शायद उसको शादी या विडो का मतलब भी नहीं पता. दिस इज सो पैथेटिक. इंडिया इज अ कंट्री ऑफ यूनिटी, बट इंडिया इज ऑल्सो अ कंट्री ऑफ अनटचेबिलिटी. मार्क माय वर्ड, हिंदुस्तान हमारा मुल्क जो है वो एक साथ रहने का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी. बट दिस पर्टिकुलर प्लेस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अनटचेबिलिटी. जहां पर हम लोग साथ रहने की बात करते हैं, वहीं पर हम लोग छुआछूत पे भी बिलीव करते हैं. सो व्हाट्स दिस मूवी, यू विल फाइंड एन एब्सोल्यूट ugly portrayal of Indian untouchability or untouchability that is practiced in our system, in our society. Now, the ugliest thing is not what caste is all about. मैं उसको नहीं छुऊंगा, मैं उसका झूठा नहीं खाऊंगा, मैं उसका झूठा ये नहीं करूंगा, मैं उसके वो नीचे बैठेगा मैं ऊपर. इट्स नॉट दैट विच इज द अगलीएस्ट थिंग. लेट मी क्लैरिफाई, इट इज एब्सोल्युटली नॉट दैट विच इज डेंजरस, विच इज अगली, विच इज हॉरिफिक, विच इज हॉरेबल, विच इज एब्सोल्युटली नॉट एक्सेप्टेबल. तो आप सोच रहे होंगे कि फिर क्या है, इससे भी अगली कुछ हो सकता है. यस, देयर इज समथिंग व्हिच इज मोर अगलियर देन बीइंग एन अनटचेबल और बीइंग प्रैक्टिसिंग एन अनटचेबल. एंड व्हाट इज दैट, क्या हो सकता है वो, हो क्या सकता है वो? दैट इज बीइंग एडजस्टिंग माय सेल्फ टू बी एन अनटचेबल. क्या है वो? अपने आप को साइकोलॉजिकली, इमोशनली, सोशली सेटअप कर लेना, एडजस्ट कर लेना, दैट यस आई एम अनटचेबल एंड दिस इज द लाइफ ऑफ अनटचेबल, दिस इज द लाइफ ऑफ अ लोअर कास्ट पीपल. यू हैव टू बी लाइक इट एंड यू हैव टू लिव लाइक इट. इट इज नॉट द प्रॉब्लम दैट अनटचेबिलिटी एग्जिस्ट. द प्रॉब्लम इज दैट there is no repercussion to untouchability by the untouchables. There is no repercussion by the lower caste people of the, you know, of the things that they go through. It's just not there. It cannot be more uglier than this. इससे ज्यादा अगली और क्या हो सकता है? ठीक है, मैंने आकांक्षा को कहा कि आकांक्षा यू आर अ थीफ. मैंने तो इल्जाम लगा दिया कि आकांक्षा इज अ थीफ. तुमने मेरा पैसा चुराया, तुमने मेरा खाना चुराया, तुमने मेरा जो भी चुराया. Problem is not that ki I am putting this allegation on Akanksha. Problem is that Akanksha admits, yes, I am a thief and I have to live like a thief. Isn't it? Problem is like that. Aap hi bataiye. You just tell me yourself. Khud se aap log bataen. Ilzam lagana zyada dangerous hai ya ilzam ke saath jeena zyada dangerous hai? इल्जाम के साथ जीना ज्यादा डेंजरस. अरे इल्जाम तो कोई किसी को भी लगा सकता है भाई. इल्जाम तो हम किसी को भी कुछ भी लगा सकते हैं.
बट इज दैट पॉसिबल कि इल्जाम जो है जो लग गया उसको हम मान लें? क्यों भाई आकांक्षा, आपको अगर मैं कहूं कि यू आर अ थीफ तो तुम मान लोगे कि मैं थीफ हूं? यू विल लाइक स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ थीफ? नो, बट दिस इज हैपनिंग विद दीज लोअर कास्ट पीपल. एंड व्हेन आई से लोअर कास्ट, आई एम गेटिंग यू नो प्रेजिडिस टुवर्ड्स दीज पीपल. यूजिंग द टर्म, द वेरी टर्म लोअर कास्ट इज मेकिंग मी प्रेजिडिस टुवर्ड्स दीज पीपल. Please, this thing, you know, write this line, what I said just now, के क्योंकि इसी के ऊपर बेस करके we are going to have our project, के just now what I said, के when I say someone that you are a thief, and if she starts living or he starts living like a thief, then the condition is bad. Then the condition is very, very bad. Now there are four, you know, class. Today only, inshallah, I'm going to give you the project and I'll discuss things with you people in a separate Google Meet class. Okay, I'll be discussing it with the group, you know, moderators. Jo honge group ke, unse main discuss karunga iske upar. So, इंडियाज कास्ट सिस्टम, हिंदुस्तान का जो कास्ट सिस्टम है क्या है, अभी बताया आपको. इट सेपरेट्स हिंदूज अकॉर्डिंग टू देयर बर्थ. इट सेपरेट्स हिंदूज अकॉर्डिंग टू देयर बर्थ. क्या भाई, क्यों भाई शीतल, आप बताएं कैसे सेपरेट करता है हिंदूज को अकॉर्डिंग टू देयर बर्थ, वर्क एंड बर्थ. शीतल कैसे is there, he's there, not he's not there. Sanjana, Sanjana, Nikita, Nikita batao. So there are four type of system, that is Brahmans, that is Kshatriyas, Shudras, and aur kya hai, Brahmans, Kshatriyas, that is the nobles, the Vaishyas, that is the business people, and the Shudras, who are the workers, worker class. Now, this was the economically, you know, Farah is there with us, who has done net in economics. I don't know if she has studied or not. There are certain theories in economics which talks about the economic divide, you know, the economic divide, the economical divide, the economic divide of Indian system. Now, this was not meant for untouchability. But slowly and steadily, it meant untouchability only. It started to be, you know, aste aste kya hone laga ki it started there was a boss system. Jaise Brahmans jo rehte the, you cannot enter the religious place without the permission of the Brahman. And all the pujas and everything has to be done by the, you know, these people. No one else can do it. It is the Kshatriyas who can only fight. It is the, it is the Vaishyas who has to do the business things. And it is the Shudras who have to do the work. Labor work. Actually, this divide was done because
to run the society. There has to be a rule of master and a, and the labor. There has to be a master. Sab, car hi khareed lenge, to tempo pe baithne ke liye, tempo pe baithne ke liye jo log honge, wo kahan jayenge? So there should be a proper divide in a society. But this divide does not mean untouchability. This divide does not mean prejudice. This divide does not mean inequality. A movie, Shah Rukh Khan ki jo movie abhi recently aayi thi, he was a businessman in that movie, a sharab mafia. What he said in that movie? What he said in the movie? He said that dharm, क्या था वो धर्म और बिजनेस वाला समथिंग, धर्म कोई भी हो बिजनेस कोई भी समथिंग लाइक दैट, धर्म से बड़ा धंधे से बड़ा धर्म कोई नहीं होता है ना, रिमेम्बर दिस डायलॉग, धंधे से बड़ा धर्म कोई नहीं होता. तो दिस वाज डन फॉर डूइंग धंधा, दैट इज टू रन द सोसाइटी. इज इट पॉसिबल विदाउट द डिवीजन ऑफ दिस थिंग? नहीं, नॉट पॉसिबल, इट्स एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल. इसके बिना ये पॉसिबल है ही नहीं, इस डिवीजन के बिना. लेकिन इस डिवीजन को जो है हमने कहां से कहां पहुंचा दिया. नाउ व्हाई द क्वेश्चन राइजेस ओवर हियर इन दिस पर्टिकुलर 21st सो कॉल्ड सेंचुरी, आई हैव अ क्वेश्चन कि व्हाई ओनली दलित वुमेन यूज्ड टू वॉश द काउ डंग. गोबर साफ करने के लिए सिर्फ दलित औरत ही क्यों जरूरी है? Why the children from lower caste are allowed to sit at the back bench? Why there is not a social mix or social togetherness? Why people are getting punished even today? Because their shadow falls on someone who is of upper caste. These are certain questions. Remember this line. Again, I repeat this line on which our project will work upon. And the line is, it's not the caste system which is horrific, but rather it is the people who adjust with this particular caste system. I am a thief. Not because somebody told me, because I believe to be. Isn't it? Come on. I am a doctor, not because people told to me, but I believe to be. Doctor to jhola jhap bhi hote hain, acche bhi hote hain. Mujhe lagta hai ki main डॉक्टर हूं कि नहीं हूं, ये मुझे डिसाइड करना है. आई हैव टू फील फ्रॉम इनसाइड दैट बेटर आई एम टी फॉर अ डॉक्टर. इंडिया ग्रोज, इंडिया हैज ग्रोन वेरी फास्ट, वेरी 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 फास्ट. बट द ओनली थिंग विच डू नॉट चेंज, यू नो, रिमेंबर द डायलॉग फ्रॉम मोहब्बत है, अमिताभ बच्चन से ना, I don't like changes. मुझे किसी भी तरह का परिवर्तन पसंद नहीं है. बोलता है कि नहीं बोलता है? Caste system is just like that. It is a gurukul ruled by Mr. What was the name of Amitabh Bachchan in Mohabbate? Come on fast. Write it on the chat box. Come on, fast. Unmute and say. Chat box हमको नजर नहीं आ रहा. शंकर नारायण शर्मा या नारायण शंकर शर्मा, क्या नाम था? शंकर नारायण, very good. I don't like changes. राज आर्यन, मैंने कहा था ना, मुझे किसी भी तरह का परिवर्तन पसंद नहीं.
So this caste system is like a gurukul where Amitabh Bachchan, that is Shankar Narayan Sharma, is ruling like a principal. He does not allow anything to change. He really does not allow anything to be changed within the premises of this particular system. And who is more vulnerable in this particular time, in this particular system? It is the children who are the most vulnerable. Right? It is the children who is the most vulnerable. Because it is the children who has to go through all this thing from the childhood, and they have to search answers for which nobody is there to answer them. हम लोग ऐसे क्यों रहते हैं, हम लोग ये सफाई क्यों करते हैं, हम लोग नीचे क्यों बैठते हैं, इसका आंसर हर एक बच्चा पूछना चाहता है, लेकिन वो पूछ नहीं पाता है क्योंकि उसके पास जवाब देने वाला कोई है नहीं. There's nobody to answer. There's no bloody person to answer it. No bloody person is there to answer it. Now, okay. Now there is a law, that is universal education law जो हमारा है, education compulsory education, education जो हमारे fundamentals में आ गया, fundamental rights में आ गया है, which says that all the children from all the region, religion, caste, culture, class, सबको बराबर का अधिकार है पढ़ने का. 8, 6 से 14 साल सबके लिए पढ़ाई मुफ्त और सबके लिए अनिवार्य लॉ ले आए हैं. Every school need to include everyone from all section of society. But the UNICEF report says that कि भैया ऐसा नहीं है. Majority of society या areas में छोटे बच्चे lower caste के they work as a daily laborer. ड्रॉपआउट रेट हाई है, आपको बताएं इंडिया का ड्रॉपआउट रेट इनमें बहुत हाई है. नाउ इफ यू सी द स्टेटिस्टिक्स, इफ यू सी द स्टेटिस्टिक्स यू विल फाइंड दैट फॉर एग्जाम्पल वन हाफ ऑफ ऑल पुल, यू कैन राइट डाउन दिस. One half of all poor children belongs to class, the lower class. यानी के 100 में से 50 गरीब बच्चे दलित हैं. School attendance 64 से 77% बढ़ गया है दलित बच्चों का, लेकिन अगर normal बच्चों की बात करें तो उनका 64 से 84% बढ़ा है, यानी कि उनका 20% अटेंडेंस बढ़ी है और इनका जो है 13% बढ़ा है. फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, अगेन इट इज अ थ्रेट. दो हजार पांच और दो हजार छह के साल के बीच की बात करके तो 18.2% यानी 100 में से तकरीबन 18 लड़कियों ने दे हैव लॉस्ट देयर वर्जिनिटी बिकॉज दे आर मैरिड बिफोर द एज ऑफ 18. 18 साल से कम की एज में उनकी शादी हो गई, इस वजह से जो है दे हैव लॉस्ट देयर वर्जिनिटी. वी हैव टू एक्नॉलेज दैट दिस सिस्टम इज देयर इन द सोसाइटी. समाज में ये सिस्टम है, हमको एक्नॉलेज करना होगा. वी हैव टू एक्नॉलेज एंड वी हैव टू मेक सर्टेन एजुकेशनल कैरिकुलम चेंजेस, अवेयरनेस स्कीम शुड बी देयर सो दैट द सिस्टम शुड बी इरेडिकेटेड, द होल सिस्टम शुड बी री इरेडिकेटेड, यू नो, फ्रॉम द कोर.
and we can go towards, or we can head towards, you can say, a healthy, loving, together society. Thank you for watching this video. Till the next time, see you. Goodbye. Video recorded.